अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को। तो चलिए उसके लिए न्यू एंड पॉइंट बना लेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रिएट स्टूडेंट, और इसका जो मेथड है वो रहेगा पोस्ट, और इसके लिए एक राउटर। सो राउटर डॉट पोस्ट, पोस्ट की मदद से हम डेटा भेज सकते हैं, इसीलिए हमने पोस्ट लिखा। उसके बाद में फिर फ्लैश क्रिएट, तो ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। इसके बाद में फिर हमको कंट्रोलर फंक्शन बनाना है, तो चलते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर में। नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कमेंट बना लेंगे क्रिएट स्टूडेंट, और उसके लिए फंक्शन कॉन्स क्रिएट स्टूडेंट कंट्रोलर, या फिर सिर्फ क्रिएट स्टूडेंट कर लेता हूँ क्योंकि ज्यादा इसमें एडवांस लेवल कुछ भी नहीं है, इसीलिए बेसिक इसका नाम रखा है हमने क्रिएट स्टूडेंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरो फंक्शन बना के अभी छोड़ देंगे और नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। सो कॉपी करें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और अब इसको राउट में यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है क्रिएट स्टूडेंट, सजेशन आपको शो करेगा, इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये टॉप पे इम्पोर्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्ट हो गया, सेव कर लेते हैं इसको और साथ ही में सर्वर को भी रन कर देंगे। सो टर्मिनल न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखेंगे npm रन सर्वर। तो देखिए यहाँ पर हमारा सर्वर रन हो चुका है और साथ ही में MySQL डेटाबेस के साथ में भी ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना है। चलते वापस कंट्रोलर के अंदर और इस फंक्शन को हम कर लेंगे एसिंक एरो फंक्शन, और साथ ही में कॉल बैक फंक्शन है इसीलिए रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसमें भी हम रिसीव करेंगे। साथ ही में हम क्या करने वाले हैं, इसमें ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। सो ट्राई और कैच, कैच के अंदर सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग ऑफ एरर, कंसोल पे भी एक एरर चाहिए। साथ ही में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में भी सेंड कर देंगे। सो रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500 दैट मीन्स इंटरनल सर्वर एरर। फिर उसके बाद में सेंड फंक्शन, यहाँ पे सक्सेस कर देंगे हम फॉल्स। उसके बाद में मैसेज ऐड कर देंगे, एरर इन क्रिएट स्टूडेंट API। उसके बाद में जो भी एरर है उसका ऑब्जेक्ट एज इट इज हम यहाँ पर पास करा देंगे। तो ये हो गया हमारा एरर का केस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट करना है स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट का डेटाबेस एक बार क्रॉस चेक करें। देखिए हमारे पास क्या क्या है, इसमें ID है, नेम है, रोल नंबर है, फी है, क्लास है और मीडियम है। तो ये सारी चीजों को हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से गेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर, कहाँ से डिस्ट्रक्चर करेंगे, फ्रॉम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से ये डेटा हमको मिलना चाहिए, कौन सा आईडी, तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, इनकेस अगर काम नहीं किया तो फिर देख लेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे। इसमें हमारे पास है नेम, फिर रोल नंबर, उसके बाद में है क्लास और हमारे पास था मीडियम। स्पेलिंग क्रॉस चेक कर ले, देखिए यहाँ पर नेम, रोल नंबर, फीस भी है और क्लास है और मीडियम है। ओके सो यहाँ पे मैं फीस भी ऐड कर देता हूँ, फीस। इसका एक वैलिडेशन हम परफॉर्म कर लेंगे, इफ नॉट नेम, अगर नेम नहीं मिलता है और की कंडीशन ऐड करेंगे। उसी तरीके से रोल नंबर और की कंडीशन में एक और नॉट क्लास, अगर क्लास भी प्रोवाइड नहीं होता है, और नॉट मीडियम और नॉट फीस। अगर ये सारी चीजें हमको नहीं मिलती तब क्या करेंगे, यहीं से रिटर्न हो जाएंगे विद रिस्पॉन्स रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 500। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सेंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे फॉल्स। उसके बाद में एक मैसेज ऐड कर देंगे जैसे कि प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स। तो ये हो गया इसका वैलिडेशन। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा को क्रिएट करने वाले हैं, तो चलिए उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन डेटा इक्वल टू फिर अवेट, फिर हम क्या करेंगे db का इस्तेमाल करेंगे, db.query, और इस क्यूरी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले शुरू में बैकटिक का यूज कर लेता हूँ, आप सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट की क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहे तो स्टोर प्रोसीजर बना के भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम बेसिक देख रहे हैं इसलिए हम डायरेक्ट इंसर्ट की क्यूरी का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसर्ट इन टू स्टूडेंट्स, ये हमारे टेबल का नाम है, और इसमें हमको क्या करना है, पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है, और कौन कौन सी चीजें हमको पास कराना है, जैसे कि नेम कॉमा रोल नंबर कॉमा क्लास कॉमा फीस कॉमा मीडियम। तो ये सारी चीजें हमको चाहिए, ठीक है, ये कॉलम्स है, देख सकते हैं आप ये सारे कॉलम्स है, और आईडी एक बार कंफर्म कर लेंगे कि वो ऑटो इंक्रीमेंट है या नहीं। इसको मिनिमाइज करता हूँ ताकि पूरा दिखाई दे। देखिए ये हमारी SQL की क्यूरी है,
फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करने वाले, तो आप लिखेंगे वैल्यूज, और वैल्यूज में हम क्या करेंगे, सिंपल एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन मार्क जितनी भी वैल्यूज है उतना आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। सो हमारे केस में 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, तो ओके हम यहाँ पर 5 टाइम्स क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कॉमा लगाएंगे और फिर एरे का आपको यूज करना है और सारी फील्ड्स को आपको पास कराना है। कौन सी फील्ड्स को, जितनी भी रिक्वेस्ट और बॉडी में है, तो ये सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्रॉस चेक कर लेंगे। इफ नॉट डेटा, अगर डेटा नहीं मिलता है तब क्या करो, यहीं से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ पोर्ट 04 डॉट सेंड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे। फॉल्स अगर डेटा नहीं मिलता है तब हम यहाँ पर एक वैलिडेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जैसे कि एरर इन इंसर्ट क्यूरी। और साथ ही में जैसे डेटा हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रेस्ट डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201, समथिंग हैज बीन क्रिएटेड, फिर सेंड फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस कर देंगे ट्रू। एक मैसेज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ये है मैसेज न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएटेड, ये मैसेज हम ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कुछ एरर भी है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते कहाँ पर ये शो कर रहा है। ओके क्लास, तो डायरेक्ट क्लास तो हम यूज नहीं कर सकते, क्लास रिजर्व कीवर्ड है ना, इसीलिए हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो क्लास को मैं थोड़ी देर के लिए जो है ना रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, क्लास रिजर्व है ना इसीलिए यूज नहीं होगा। टेम्प्रेरी पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर लेंगे, यहाँ से भी क्लास को रिमूव कर लेंगे। अब ठीक है, सेव कर लेते हैं इसको, कुछ इस तरीके से अभी ये दिखाई देगा और सर्वर परफेक्टली अभी काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, एक बार टेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक और न्यू रिक्वेस्ट बना लेंगे, एड रिक्वेस्ट, और इसका नाम हम रखेंगे क्रिएट, और प्रीवियस वाला जो यूआरएल था ना गेट बाय आईडी वाला, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा अपडेट कर लेंगे इसको। कॉपी पेस्ट, गेट के बदले सिंपल यहाँ पे हमारे पास है क्रिएट, उसके बाद में है बॉडी और रॉ डेटा और यहाँ पर जेसन। इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले नेम को पास कराना है, नेम नेम में कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे कि जॉन कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास था रोल अंडरस्कोर नंबर, इसको कर लेते हैं हम 4, 4 तो ऑलरेडी आई थिंक 5 कर लेते हैं इसको। उसके बाद में था मीडियम, इसको कर लेते हैं हेल्दी, और उसके बाद में हमारे पास था फीस, इसको कर लेते हैं 1000। चलिए सेंड पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं, अच्छा यहाँ पर 404 आ रहा है स्टूडेंट, अच्छा मेथड अपना पोस्ट रहेगा। अब वापस से सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए फॉल्स, प्रोवाइड ऑल फील्ड आ रहा है, रोल की स्पेलिंग गलत है, सो यहाँ पे रोल कर लेते हैं इसको, रोल अंडरस्कोर नंबर, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक और इशू आ रहा है, जॉन 5 हिंदी और एक्स्ट्रा फील्ड है, सो एक्स्ट्रा फील्ड आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्लास के लिए हमने रखा था ना, सो इसको रिमूव कर लेंगे, पूरी फील्ड है अपने पास अभी, सेव कर लेते हैं इसको। चलते वापस पोस्टमैन में, फिर से सेंड पर क्लिक करते, अगेन एरर है, और यहाँ पर हिंदी फॉर कॉलम फीस, ओके कॉलम 1, अच्छा आईडी का भी इशू है, आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट नहीं किया होगा, चलिए आईडी मैनुअली कर लेते हैं हम इसको 5। तो चलिए वापस से सेंड पर क्लिक करके चेकआउट कर लेते हैं, सेंड, ओके ऑर्डर एक बार चेक कर लेंगे। फर्स्ट हमारे पास था आईडी, नेम, रोल नंबर है, ठीक है आईडी नेम रोल नंबर और फीस, अच्छा फीस है, फिर उसके बाद में क्लास है और फिर मीडियम है, ओके तो मीडियम को हम यहाँ से कट कर लेंगे, इसको कर लेंगे फीस, इसके बाद में यहाँ पर मीडियम ऐड कर देंगे। ठीक है आई थिंक यहाँ पर डेटा पास कराते टाइम भी फिक्स करना पड़ेगा, फिर नेम है, रोल नंबर है, फीस है, मीडियम है, ओके यहाँ तो करेक्ट है वैल्यूज, नेम रोल नंबर मीडियम, अच्छा रिस्पॉन्स में फिक्स कर लेंगे इसको, यहाँ पे कर लेंगे फीस। अब ठीक है क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको, चलते वापस पोस्टमैन में, सेंड पर क्लिक करते हैं तो देखिए न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड। तो चलिए इसको एक बार चेक कर लेंगे वर्क बेंच में, ये रहा हमारा डेटा, अभी 4 ही है ना, तो इसको हम क्या करेंगे फिर से एग्जीक्यूट कर लेंगे, स्टूडेंट पर सेलेक्ट रो, तो देखिए यहाँ पर बराबर से आएगा, 5th रिकॉर्ड जॉन, इसका रोल नंबर, फिर फीस है और क्लास नल है क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड था ना, इसका नाम हमको चेंज करना पड़ेगा। बाकी देख सकते हैं आप परफेक्टली हमारी इंसर्ट की क्यूरी काम कर रही है। सो मेक श्योर यहाँ पे आप इसको जो है ना अच्छे से देखें, ये जो क्यूरी है ना ये ऑर्डर वाइज होना चाहिए,
जैसे आपका टेबल है उसके हिसाब से आपको जो यहाँ पर क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। जैसे कि हमारे केस में आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हमने रखा था, इसीलिए हमको आईडी पास कराने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो क्रिएट हो जाएगा। नेम, रोल नंबर, फीस, क्लास, क्लास को रिमूव कर लेंगे हम बाद में क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, यूज नहीं कर सकते हम। उसके बाद में यहाँ पर मीडियम, तो ये चारों हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। तो इन ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, वन बाय वन यहाँ पर करेक्टली ऐड करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए नेम, रोल नंबर, फीस, मीडियम, उसी तरीके से नेम, रोल नंबर, फीस और मीडियम।